हमारे साथ हैं पंडित महिमानंद गौर जी, जो लाखा मंडल से हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने समय दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा लाखा मंडल जो है क्या है, मतलब पौराणिक जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, इसके लाखा मंडल के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को, अतिथि देवों को, हमारे इस लाखा मंडल देव धरती भूमि से आप लोगों को आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांव के क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है जी। नमस्कार। ये मंदिर जो है यहाँ पे, ये प्राणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, कई हजारों साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से महाराजा की आती थी, और मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे ऊपर दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। बाहर आएंगे आप लोग, वहाँ पे एक पत्थर शिला बहुत बड़ी है, उस पत्थर शिला पे पार्वती माँ के छोटे छोटे पैर के निशान हैं। पार्वती माँ ने शिव पाने के लिए कन्या रूप में यहाँ पे तप किया था, शिव पाने के लिए। बाहर आएंगे तो मंदिर के ठीक सामने शिव के दो नंदीगण हैं, उनके बगल में पांडव नृत्य, जो हमारे पांडवों की धरती है, जो इस लाखा मंडल में पांडवों की धरती कहते हैं, पांच भाई पांडवों की धरती, कुंती माता द्रौपदी, ऐसे पंडु राजा कुंती माँ, ऐसे लोगों का यहाँ पे बाहर से, गढ़वाल से, रवाई से, आपके इधर जौनसार से, बावर से, हिमाचल से, यहाँ पे पांडव नृत्य लोग आते हैं, नृत्य करते हैं यहाँ पे, रात को दिन को कई पालटियाँ आती रहती है। ये धरती पांडवों के नाम से कहला जाती है। बिल्कुल आपने सही बताया कि ये अंदर जो है, जो अंदर मूर्ति है उसके बारे में आपने बताया ना, कि जो मंदिर के अंदर है वो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसकी खोज गाय ने की है, वो सतयुग का है जी। उस शिवलिंग जो खोज करी है गाय माता ने, गाय माता जमुना पार से आती थी, शिवलिंग के ऊपर दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, सतयुग का है, सतयुग का, जिसकी खोज गाय ने की। अच्छा, मंदिर ये किस, कौन से भगवान का है मंदिर? मंदिर ये शिव का मंदिर है, और ये हमारा कुल देवता यहाँ पे भैरव देवता है, जो भैरव देवता के नाम से यहाँ पे जाना माना जाते हैं। जो भी कोई यहाँ पे मान्यता करते हैं, मानने के लिए आते हैं, मनन करते हैं, ये भैरव देवता यहाँ पे वरदान देता है, कुल देवता भैरव है जी। पीछे मंदिर के जो पीछे दो मूर्तियाँ देखी हमने, उनके बारे में थोड़े बताइए। उनके बारे में, वो पीछे वाली जो दो मूर्ति है, वो उनका रूप है, सतयुग में है उनका रूप, वीरभद्र, दक्ष राजा ने यज्ञ किया था, उन्होंने सती माँ को, शंकर जी को, अपने बेटी ज्वाई को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। तो सती माँ ने कहा कि हे स्वामी जी, अपने पति के लिए, शिव के लिए, हे स्वामी जी, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव, उनकी पहचान है। जो इधर वाली मूर्ति है उसका हीरे मोती का मुकुट है, वो भगवान है देव, इधर वाली मूर्ति वो दानव है राक्षस, उसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, मसान की मुंडी जी। और ये बड़ा वाला जो शिवलिंग है, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से, मल्लेश्वर महादेव के नाम से। हमारी ये पट्टी 24 गांव की है, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी उनके सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके जाते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था, ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बात खिलाता था। यहाँ पे चारों तरफ, इस शिवलिंग के चारों तरफ नीचे लाल ईंट है, यहाँ पे लक्षक रहता, दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया था लक्षक रह। तो सामने उसके पीछे जहाँ पे दो मूर्ति खड़ी है, उनके बीच से अंदर ग्राउंड सुरंग है, विदुर ने सुरंग बनाई, और नीचे सड़क पे आपको पांडवों की दुम गुफा मिलेगी,
पांडव लोगों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, अंदर जाके सुरंग में जितना छोटा शिवलिंग मिलेगा ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, चक्रवता और नागथाप के बीच में, जहाँ पे पांडव लोगों ने विराट राजा के यहाँ पे नौकरी की है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो आपके हरियाणा कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। यहाँ पे 100 मीटर के एरिए में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। आगे जाके जो आगे जो शिवलिंग है जिसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे और आपका उसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा, वो शिवलिंग है कलियुग का। पांडव लोग जब स्वर्ग लेहनी निकले तो जाते जाते उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना करी है। उस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है, जैसे उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा वैसा आप लोगों का प्यार अपने अंदर भगवान समा लेता है। उसके अंदर उसके चारों तरफ 8 कोने हैं, चारों तरफ राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। और ये मंदिर ये ऊपर से लेकर के नीचे तक, इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और भीमसेन के हथेली पे ये बनाया गया। ये ऊपर से नीचे को बनाया गया और इस मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खुर के निशान है, पैर के निशान ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। और यहाँ पे लाल रंग का शिवलिंग है वो तीर्थायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले जी श्रीलंका पहुँचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो राखा मंडल के प्रांगण में, ये पूरे भारत देश में और जगह ये लाल रंग का शिवलिंग नहीं मिलेगा। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 15 अप्रैल को 15/3 गति बैसाखी का जो मेला लगता है थौड़ा, जिसको थौड़ा कहला जाता है, वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में फिर मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जी एक बात बोली आपने, थोड़े की बात बोली है जी माँ, और यहाँ पे एक विशेषता और है। हाँ, सुना है हमने इस तरीके से कि इस मंदिर के बाहर एक जगह जहाँ पे पीपल का पेड़ है वहाँ पे भी बिस्सू होता है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि वो भी क्या लाखा मंडल के ही उससे जुड़ा है। बिस्सू जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दौरा में हाँ, वहाँ पे दशहरे के टाइम पे वहाँ पे जो मेला लगता था के उस मेले का नाम है नौरता। नौरता बोलो तो चेसुक ना जख झोटा कोटो था। अच्छा, जो सो गांव जो सो दौरा गांव जो है वो दौरा है, वो दौरा है, ये मोड़ा है। यहाँ पे पांडव लोग रहते थे, पांडव लोग, और वहाँ पे कौरव लोग रहते थे, तो ये मोड़ा है वो दौड़ा है। तो वहाँ पे जो माता जी का मंदिर है वो चितासिनी माँ का मंदिर है। पांडवों की जो कौरों की माता थी वो चितासिनी, वो कौरों की देवी थी, वो कौरों देवताओं की देवी थी, पांडवों का देवता ये था यहाँ पे, हैं जी। तो इससे दाई भाई था आपस में, वो बिरादरी के एक थे, एक बाप के एक माँ के, तो क्या उसका गंधारी के तो कौरव लोग थे, उसके 100 बेटे थे गंधारी के, और 5 भाई पांडव ये कुंती माँ के थे, जिससे आपस में मतलब। तो जो वहाँ पर जो विश्व आपने बोला कि मेला लगता था आपने बोला कि वहाँ पर जो बलि दी जाती थी, उसके पीछे का इतिहास क्या है, थोड़ा बताएंगे आप। उसके पीछे का इतिहास है जी, मतलब अब झोटों का सिस्टम तो ये बंद हो गया। यहाँ पे अध्यक्ष कौशल एक आया था देहरादून से,
उसने यहाँ पे उस देवी के बारे में बहुत बड़ा ये किया था रिसर्च, और ये झोटा वगैरह बंद करवाने की कोशिश नहीं करिया। अब वहाँ पे पट्टी चढ़ती है, और जो रावत जी हैं, जैसे आप लोग हैं रावत जी, उनकी जो छुलटाड़ के रावत जी हैं, उनकी वो कुल देवी है, वो देवी उनकी उनकी है कुल देवी। अच्छा, रावतों की वो देवी कुल देवी उनकी है वो। तो वहाँ पे जो से नौ जोड़ों था, झोटा कोटों था, जो भी पूजा आज भी पूजा होती है, सिर पर चढ़ता है, पट्टी चढ़ती है, उससे लोग जो रावत लोग करों तक पूजा, और वो मेला जो है उन्हीं का, रावतों लोगों का, उन्हीं का है। हाँ उन्हीं का मेला है वो। क्योंकि जो रुई टूड़ी है हमारी ज्ञान टूड़ी, क्योंकि ज्ञान मतलब क्योंकि क्योंकि ज्ञानी तो हमारे मेड़ा का आज भी जाऊँ, पर क्योंकि रोहिणी हमारे मेड़ा जी ना ये सोचता है। अच्छा, ये तुम्हारा रावतों का बड़ा ये है जी अपना, क्या कारण है मतलब? ये कारण ये है कि तुम्हारा राज था जी, पूरे भारत में पूरे देश में तुम्हारा राज था, रावतों की जनी तुम्हारू ये छत्रु राज तो तुम्हारो, इसलिए जो है तुम्हारी जो रोहिणी से तुम्हारी रोहिणी अभी तक जो है क्या उसका नाम हमारा ये थौड़ बिना ही नुणा के मेड़ा ले नाम, और तुम्हारे जब मेड़ा हो लो दौरा चाहे देविया को मेड़ा हो लो दशहरे में, तो ते मेड़ा रही क्योंकि रोहिणी जानी सब आते का। और कुछ मैं विशेष थोड़ी जानना चाहूँगा कि मतलब ये तो आपने जो है उस समय की बात बोली जिसमें कौरव पांडव थे, उसके बाद जो है ये जो जब ये हम निकले यहाँ पे खुदाई के दौरान, उससे पहले कैसे था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे घर वगैरह थे क्या था मतलब? यहाँ पे जी घर वगैरह इस बाउंड्री के अंदर तो कुछ नहीं था, ये अंग्रेजों का शासन था। जितनी भी ये सिलते हैं मंदिर के चारों तरफ ये तो अंग्रेजों ने बिछा रखी है जी, और ये जितनी ये गिरी लगी हुई है ऊपर ये तो अभी प्रत्यक्ष विभाग वालों ने बनवा ये चारों तरफ। अच्छा। और इसके नीचे जो खाली दीवार है जिसमें सीमट मट्टी कुछ नहीं है लगा हुआ, ये अंग्रेजों के शासन की है। मतलब ये मंदिर तो पहले से ही था, मंदिर पहले आप से आप भी देख रहे हैं मंदिर जो यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी माँ की मूर्ति है जी, यहाँ तक तो ये दबा हुआ था जी। अच्छा, ये हमारे दादा ने बताया, उन्होंने यहाँ पे दो आने में काम किया जी, दो आने चार आने में मजदूरी करी अंग्रेजों के शासन पे, हमारे गांव के लोगों ने क्षेत्रवासी। और ये जो खुदाई जो पीछे हो रखी ये है 2007 में हुई, 2007 में अभी 2007 में मतलब 11-12 साल हुई है। इससे पहले कैसा था ये मंदिर था और बाकी यहाँ पे एक शिवलिंग? ये हाँ यहाँ पे बिल्कुल मैदान था जी, खेत था यहाँ पे। अच्छा, किसका खेत था यहाँ पे? यहाँ पे ये श्याणा जी का खेत था, लाखीराम जी का, शेरचंद जी का खेत। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो मतलब कैसे सो तो बाँ था, बाँ बाँ था, देखो आम का बूट था और खुमनिया का बूट, चुल्लू का बूट, केड़ा को घो, अच्छा आड़ू का बूट, नाशपत्या का बूट, हम छोरा चोरी भी करूँ तो रात। हाँ जी, आगे एतकेश्वर लोगों ने देखे, ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये था पहले, ये तो जो यहाँ यहाँ से जो है ऊपर दीवार थी जो ऊंची दीवार। अच्छा, हाँ जी, जितना ये मंदिर का चौक है ना शिवलिंग का, हाँ जितनी ऊंची यहाँ से दीवार थी, जिधर ये ग्रिल जा रही है ना ऊपर, हाँ इस इधर थी दीवार ऊपर तक। अच्छा, और जो यहाँ से मृतक लोग लाते थे, अच्छा, वहाँ से इधर से रास्ता था, और यहाँ से मृतक अंदर लाते थे जहाँ पे ये शिवलिंग है, इसके पीछे रखते थे वहाँ पे। और फिर पुजारी अपने घर से दूध कटोर लो तो दूध भात और गंगा यमुना को जल लेके और मंत्र द्वारा तेली जल छेड़ो तो वह तब से जीव दुबारा के कौशला पता के जो है ये मतलब शिवलिंग लाए निकली कौश खुद मतलब खुदाई क्यों ये मैं हमको यहाँ पे सपने में का चमत्कार होता जी। अच्छा, या आपको हो गया या मुझे हो गया या किसी दूसरे को हो गया, तो जो उधर वाला जो शिवलिंग है वो हरि नाम का था। ये यहाँ पे मंगत राम तो सुना होगा आपने, सुना नहीं होगा, वो नेता था जी, ठाकुर जी को पता है जी, वो हमारे जौनसार बावर का सबसे पहला नेता था जी, जौनसार बावर का। कौन से गांव के थे? इसी गांव का था वो लड़का, वो छह भाई थे तो सबसे छोटा भाई था वो मंगत राम है जी, तो उस इस इलाके में उसके बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं था, हाई स्कूल इस इलाके में किसी ने नहीं करी। कौन से सन की बात बता रहे हैं आप, ये कुछ बताएंगे थोड़ा? सन की बात समझो आपकी, जब उसने क्या उसका नाम हाई स्कूल करी होगी तो वहाँ से करीबन 50 साल पहले की बात होगी। अच्छा, हाँ 50 साल पहले की बात होगी जब उसने हाई स्कूल आज़ाद हो गया था, आज़ादी से पहले की बात है। आज़ाद तो मुझे लग रहा जी कि आज़ाद देश मुश्किल होया होगा। अच्छा, तो मतलब ये तो 70-80 साल पहले की बात है, इतना भी हो उससे पहले की बात है। अच्छा ठीक है, उसके उनके बारे में बता रहे थे तो वो उन्होंने क्या मतलब आप तो उसका जो भाई था हरी नाम का, उसको रात को सपना लगा। अच्छा, तो वो रात को सपना लगा, उसकी नींद खुली, उसने अपने भाइयों से बात करी,
छः के छः भाइयों से कि यार भाई साहब मेरे को वहाँ पे सपने में उसके चारों तरफ शिवलिंग के चारों तरफ हमारे दादाजी लंबे लंबे जटों वाले दिखाई दिए, मतलब जो मेरे नाना थे वो इस देवता का पुजारी भी था और केदारनाथ का भी पुजारी था। मेरे दादाजी यहाँ से पैदल जाते थे पूजा करने के लिए केदारनाथ, डेढ़ महीना जाने के लिए लगता था और डेढ़ महीना आने के लिए। तो वो जो उधर का जो शिवलिंग आपने बताया कि वो तो सियाणा जी का खेत हुआ करता था, इस दीवार से उधर को खेत था। हाँ खेत था, ये शिवलिंग तो उसके खेत में निकले। अच्छा, उधर वाला जो शिवलिंग है उधर वो तोताराम का और आसाराम का खेत था वो। अच्छा, उनके बीच पर उधर भोगना जी का खेत था, टिकाराम ताजीराम का खेत, उनके बीच में निकला वो शिवलिंग। अच्छा, उनके बीच में निकला वो शिवलिंग, तो उस हरि नाम को सपना लगा। वो छः के छः भाई दूसरी रात को वहाँ गए और उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे धन का घड़ा होगा और खोते खोते जो है वहाँ पे भगवान शिव जी प्रकट हो गए। तो जब वो शिव जी निकले तो फिर जो है सुबह के टाइम अबीला था, पानी की व्यवस्था सबको घर घर माँ चला था, पानी की टोंकी थी हमारी तो ये बिला ना, तो ये बिटकुड़ा हमारी पानी की नोटी ना सुबह के टाइम 4 बजे। आज की बेटियाँ थोड़ी जो 8 बजे से पहले नहीं उठती, उस समय तो 4 बजे 3 बजे उठती थी औरतें खड़ी, हमारी माता बहने हमारी बिल्कुल अभी 3-3, 4-4 बजे रात उठो जब इंजारे को नो तो पानी का है जी। पर जैसे ही चखर नठिया उबनो तो वह जैसी लगी नौ ज्यादा चक से खुदाई लगी कर दो फिर भागी आई डोरे के दर पर। अच्छा, हमारी दादी घर को आगे भागी, फिर नाना जी को बताया दादाजी को कि चख कोई गाड़ी भूत वहीं पैदा की कहा हो, फिर 5-6 भाई थे ना बड़ा बड़ा डंक, उनकी लंबाई से 6.5-6.75-7 फीट थी। जीतू दुर्गो आपने तो जीतू को तो देखा होगा, जगदीश का बाप को मंगती देखा, फिर आपने हरि को भी नहीं देखा होगा, आपने दुर्गो भी नहीं देखा। पांच भाइयों के नाम क्या थे? छह थे, छह भाई, छह भाई। सबसे बड़ा था दुर्गो। अच्छा, उसके बाद था हरि, उसके बाद था जीतू, उसके बाद था क्या उसका नाम जीतू, उसके बाद था दिल्लू, दिल्लू और फिर लास्ट में था मंगत राम। हाँ, तो छह भाई खुदाई कर रहे थे वहाँ। हाँ, खुदाई करने गए। हाँ, छह के छह भाई। मंगत राम तो छोटा ही था, मतलब 18-20 साल के बीच में होगा, पर साथ में गया वो भी, जवान था ना वो भी। मैं तो खोदने लगे वहाँ पे, तो वहाँ देखा तो भगवान निकल गए। फिर सुबह के टाइम फिर सारे गाँव गए, फिर खुदाई में वो निकल गया। अभी यहाँ पे मेरा खेत है जहाँ पे ये लौंडा गया ना नीचे रोड पे, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ पे इस बेटे ने जो है वो, मैं तो चले गया चंडीगढ़, जजमानों ने बुलाया मेरे को और इस बेटे ने दीवार से ले ली अंदर, वो शिवलिंग छोड़ दिया। फिर रास्ते में वो वहाँ पे दबा हुआ है, जैसा वो शिवलिंग है जलेरियो वाला वैसा ही शिवलिंग है वहाँ पे भी। तो ये कैसे पता लगा, जैसे आपने बताया कि वो जो है वो वाला शिवलिंग है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो किसने बताया कि? वो तो सपने में आया। अच्छा, जैसा वो नीचे मेरा खेत में है वो। अच्छा, तो मंदिर के बाद जो है मंदिर के बाद वो निकला वहाँ पे। हाँ, वो निकला, वो निकला। बहुत बाद में निकला जी। हाँ, बहुत बाद में। आपको तो बहुत बाद में, आप की बात है जी। सन 72 में निकला। अच्छा, 1972 में निकला। मंदिर तो प्राचीन है सारे। नहीं, मंदिर तो प्राचीन है, लेकिन जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं अभी, जैसा वो नीचे मेरे खेत में है वो शिवलिंग, उसको निकालेंगे तो अभी निकलेगा वो। नहीं, निकले वही तो है, और मंदिर तो प्राचीन है। और जो पीछे जो मूर्तियां हैं वो मंदिर के साथ की है जो आपने बताई। हाँ, वो पीछे मूर्तियां, वो जो है मूर्तियां उनका सिरी सिर दिख रहा था पहले, जो नीचे जो मूर्ति है बड़ी बड़ी उनका सिरी सिर दिख रहा था, वो दबा हुआ था वो। तो वो खुदाई में जब यहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने यहाँ पे काम किया, तो उन्होंने जो है वो मूर्तियां स्थापित कर दी फिर। अच्छा, है तो पुजारी को हाथों से हुई, वो निकल गया। उसके बाद जो सियाणा जी को डोकरो ढूंढे, हाँ हाँ, उस पर कैसे खुदाई हुई, मतलब इधर भी चमत्कार हुआ जी। अच्छा, उधर भी सपना लगा, मेरे भाई यहाँ पे इस विभाग में काम करते थे। अच्छा, इसी विभाग में, तो उनको भी चमत्कार हुआ, सपना लगा उनको, सपना भी लगा होगा जी। अब लगा होगा, नहीं हो सकता है जी। अच्छा, अब उसने भाई ने हमको नहीं बताया। अच्छा, मेरे भाई तो वैसे थे कि जैसा धर्मराज युधिष्ठिर आ रहा था, पांडवों का बड़ा भाई, सहन शक्ति आदमी, वो बोलता नहीं था। तो मतलब कैसे यहाँ पे जो है फिर उन्होंने ऑफिस में बात करी है ना। अच्छा, कि साहब ऐसे ऐसे मेरे को कुछ चमत्कार हुआ। अच्छा, तो आप आइए जरा यहाँ पे सर्वे किए। तो आइए, तो उन्होंने जब खुदाई करने थोड़ा खोदा, तो थोड़े खोदने में जो है वो तो अपने जैसे खोद रहे थे, वहाँ पे एक शिवलिंग निकल गया, और शिवलिंग निकला, फिर और खोदा, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, ऐसे ऐसे फिर वहाँ पे सारे शिवलिंग निकल गए। अच्छा,
एक गुफा वाली बात बोली आपने कि एक जो है यहाँ पे जहाँ पे मूर्ति है वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सुरंग है। हाँ। उसके अंदर आपने चार सुरंगें बोली, एक जमुना, चार सुरंग तो नीचे है सड़क पे। अच्छा, जो रोड पे है ना नीचे पांडव वाली से एक है, यहाँ से विदुर ने सुरंग बनाई, पांडव लोगों को वहाँ पे बाहर निकाला। नहीं, वो कैसा मतलब, वो तो बंद है यहाँ से, बंद कर दी सरकार ने। अच्छा, उसको देखा गया कि वो कितनी लंबी है? वो तो हमारे पिताजी ने देखा जी। अच्छा, मेरे पिताजी ने उसको देखा कि जब हम छोटे थे तो उसके अंदर जो रास्ता जाने का है। अच्छा, तो पिताजी आप याद पूछ सकते मेरे पिताजी को, वो जीवित है मेरे पिताजी, आज भी उन्होंने बताया बेटा वहाँ से रास्ता अंदर जाने के लिए। अच्छा अच्छा, ये कोई वो नहीं मतलब। और उसके बाद जो मतलब आपने बताया कि वहाँ पे जो नीचे वाली सुरंग है वो पांडवों के रास्ते बन जाते हैं, फिर वहाँ पे देखे किसी ने रास्ते? हाँ, आज भी है। हाँ, वो देखने की चीज है, जो देखने की चीज है। हाँ, मतलब तो देखने की चीज नहीं, ये दंत कथा नहीं है। बारह मारी बोली मिर्गियानी, तेरह मारी भाग, कुंती माँ बोलूं कि हम काचो मांस न खाएं, कौरव बोलूं डाग। उस गुफा में जब पांडव लोग बाहर निकले, किसने बाहर निकाले? विदुर ने। तो भीम ने बोला अपने माँ को, कुंती माँ को, कि माता जी मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को भोजन चाहिए। तो माता जी ने अर्जुन को कहा कि बेटा अर्जुन, आपके बड़े भाई को बहुत भूख लग रही है, इसकी भूख जो है मिटाओ। जी, इसकी भूख मिटाओ। तो अर्जुन ने अपना तीर कमान तैयार किया और वहाँ से उस गुफा से उसने, ये सामने आपको टमाटर की खेती दिख रही है सामने पार रोड से पार देखो आप लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये उसके बगल में थोड़ा जंगल है जिसको हम लोग जो है लाखी जंगल भी कहते हैं और बिजू जंगल भी कहते हैं। अच्छा सर, बिजू जंगल। यहाँ पे 12 मिर्ग एक साथ चुग रहे थे और बघेरा जो है ताक में बैठा था शिकार खेलने के लिए कि मैं भी शिकार खेलूं। तो जब यहाँ से अर्जुन ने तीर मारा तो 12 मिर्ग भी मरे, वो 13वां भाग भी मरा। तो अर्जुन को फिर भीमसेन, अर्जुन ने बोला भीमसेन को कि भाई भीमसेन आप जाओ पार और शिकार ले आओ वहाँ से, मैंने आपका भूख मिटा दी। तो भीमसेन फिर पार गया और उसने जैसा हम घास न काटी है, घास का पुआ कौस करो का आनंद है, चार पुआ एक काटे, चार के काटे, चार बड़े काटे तो कौरों का आनंद है। तो उसने 12 मिर्गों का पैर एक एक पैर पकड़ के और कंधे में लटकाता रहा वो, और थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पे बघेरा भी मरा हुआ मिला। उसने वो बघेरा उठाया, वो मोटा था बघेरा, उसने कहा ये तो मिल गया मेरे को बड़ा टेस्टी भोजन। उसने जो है जब तक वहाँ से राखी जंगल से वहाँ पे गुफा पे पहुँचा तब तक उसने जो है बघेरा कच्चाई रस्ते रस्ते खा के आया, खा ले सीमित ले खाई के हैं जी। तो कुंती माँ ने कहा कि बेटा आपने क्यों खाया इसको, ये तो जहरीला है तो मर जाएगा तू। उसने कहा माँ जी मेरे को बहुत भूख लगी थी, मेरी भूख तो ख़त्म हो गई, मुझे कुछ नहीं होता। आज भी जिस बेटे को जिस बेटी को ज़्यादा भूख लगती है उसको भोजन देंगे से बहुत दोस्त उसको बास होया कि ये भी खा ली तब से भी हजम नोट भाई कहीं हैं जी। तो ये परंपरा से चल कर आया है। 12 मारी बोली मिर्गियानी, 13 मारी भाग, कुंती माँ बोलूँ कि हम काचो मांस न खाएं, कौरों बोलूँ डाग। उस गुफा की उस जंगल की बात है जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि मैं पीछे वाली बात पे जाऊँगा कि मुर्दालयों तहत के, तो यहाँ पे जो वाद्य यंत्र जो ढाकी थे वो पारंपरिक यहीं के आए थे यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे परंपरा से, जैसे ये बाजगी जी कह रहे हैं। हाँ, ये भी मतलब परंपरा से इनके आए हुए हैं, ये तो कह रहे थे कि हम जो नहीं, ये तो आ रखे हैं ना, पर है उन्हीं कुल के हैं ये भी, उसी कुल के, उसी ये उसी इसके हैं, देव के डाके, ये उसी इसके हैं। आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे इसको? एक बार क्या आवाज यहाँ पर ना जी, जैसे यहाँ गौरी पंचय नाम के दो दास थे, तो वो डेली जो ढोल बजाते थे यहाँ पर, बजाओ तो ढोल पाचा की नवंत को सिलाओ थे लाई नवंत एक दो दो, तो अंत में क्या हुआ जब उसकी नवंत लगी चार बजे सुबह, तो तब तक पता नहीं क्या बघेरा आया कि क्या बघेरा भगवान का रूप में किस रूप में आ गया और वो यहाँ नाचने लग गया जी, इस आंगन में नाचने लगा, नाचने लग गया और वो बजाते गए, बजाते वो भी नाच रहा, जैसे रात खुल गई वो सो अच्छा हो गया, वो पता नहीं कहाँ चले गया। और दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे वो सो रखे थे नमती लाई रोज थी हुई जैसे सोचे थे, तो उनके दरवाजे में पता नहीं कहाँ से बकरे का जो है बड़ा बकरा पता नहीं कहाँ से मार के लाया वहाँ फेंक दिया उनके दरवाजे पे, मतलब ले मारी गई जो से नाची है सब वगैरह, तो कि शिव जी तो कि भोर रो तो मारियर दे चिकदार बर चला चला के दूसरे रात वो लोग ना इसी जहाँ पे इसका घर है वो यहाँ फेंक दिया, यहीं फेंक दिया जी। अच्छा,
तो मतलब ये था कि जो बाजगी थे उनके अलग अलग बाजे की कुछ वो थी कलाएं, हाँ, कला, क्या अलग थोड़ा अलग। उसमें बता हाँ, पाएंगे आप कुछ क्या, क्योंकि बता पाएंगे तो ये तो अभी आपने इसको ढीला छोड़ा, नहीं तो इतना बाजा बजा। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना बताएंगे जब जो बरसात, अषाढ़ और सावण का महीना, अषाढ़ और सावण का महीना और जेठ का महीना जब इधर पड़ो, जब पानी ना बरसे, बारिश नहीं होती, तो हमारे गांव के लोग, पूरे क्षेत्रवासी के लोग पूरे खत में हम आवाज़ मार देते हैं, पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पुकार कर देते हैं। तो ये गढ़वाल का भी और जॉन सार बावर के भी जितने इस क्षेत्र के हैं सब लोग बोलो आमुली मोड़ा का भामनू ली कि मोड़ा का भामनो तुम नहरू दो। नहरू, नहरू का क्या मतलब है कि जब हम नहरू दो तो एक नौ नहरू, नहरू क्या मतलब है कि जब हम एक नहरू दो तो एक पंडो उतार होता जसुद्दोतिया नहरू दो तो इला ब्यो कबेरा एक हाक मारू तो। नहरू में क्या देते थे मतलब, सुनो ना आप, नहरा था वो नहरा, नहर बोलो तो ते को नो तो जैसे थोड़ा ना हो वो मेड़ा हो, जैसे तुम्हारी मेड़ा हो तो का प्यासा रहो तो बिल्कुल, तो तेई मेड़ा री तेई नहरा री ऐसे काम करो कि इला ब्यो का मेरा हाक मरू तिया कि भाई जेची भी गांव का लोग आस पास का पुड़िया पनके सेरा दौरा लाखा मंडल फांडो कुआ तय खबर दो तो देखे जो जो सुन लेंगे जो सुनेंगे कि कोई अपना भीतर आग न जगाया दोतिया जैसी आज पुकार मार दी शाम के टाइम और दोतिया नहर दऊँ तो दो चार रात के बेरा ना तो कसियों का भीतर आग जग ली और ना कोई छानी बरा जालू ना चौन उगाड़ ना बासला पियाला ना भैंसिया पियाला ना घास दे लेते उंगली कुछ ना, जो दूध का बच्चा होगा वो बच्चा से दो महीने का है या छः महीने का है उसको भी दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए। अच्छा, हाँ जी, तो ये परंपरा थी उस समय। तब हमारी नानांदरी छोटिया कन्या मतलब 5-7 साल से लेकर के 11 साल के बीच की छोटिया और छोटा ये कहूँ तब तो हरिजन लोगों की लड़कियाँ तो बैठती थी जी नीचे आंगन में जहाँ पे ये पट्टी है और पंडितों की बैठू थी देवरिया कुंडी। तब काली लो तो कुसका कुसका और भेकड़ी का कांड लो तब तब तेथमा था बैठाना तसे छोरा कांडे कुशे सातर हाँ सातर को नाई थे तेथमा था बैठाना था तब से छोरा तब लो तो गीत देव की ज्ञानी तिशा मरी देव पानी आना दो गादा कुलौना सुखी नटी देव पानी आना दो। ये गीत था, ये गीत जो है बच्चों ने लगाना था। एक बिलाई बामने की छोटिया छोटा लाऊ था एक बिलाई से हरिजन के काष्ट के बच्चे लगाते थे कि देव की जानी तिशा मरी देव पानी आना दो गादा कुलौना सुखी नटी देव पानी आना दो। तो ये गीत तो लगता था यहाँ पे छोटा इसके आगे के कुछ बोल होंगे थोड़ा देखो जी इसके आगे बोल यही था जी यही था, दो ये शब्द है जब आगे भगवान जाने की क्या बोलता उतना तो मतलब ये 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 तब था कि मतलब जब जब बारिश जब विद्राम पड़ो थी जब बारिश ना होती जेठ और सड़क में भगवान से जो है हाँ एक तरीके से प्रार्थना करते थे। तब छानी बरत गाया भैंस लौड़ी मारू तो बासल भूका का एक गाँव आड़ छोरा लाड़ी लाड़ी मारू टहरणी भूका का आग जगाऊ न तो आग जगाऊ तो जेक भीतर धुआं दिखाई तो तेरे से दू तो पुकार करके तेरे से दू तो बोल के कि खाल छोड़ा ली तेरे भूसा कहीं भरी ली और डांड पड़ लो अलग आग न जगाया कोई तब आग न जगाऊ तो कौन मतलब सियाणा बोलो तो ये पूरे गांव के लोग नहीं पुजारी की तरफ से जो है पुजारियों की तरफ से। अच्छा, ये व्यवस्था पुजारियों की थी। अच्छा सर, फिर और क्षेत्रवासी जो है हमको ये करते थे नियुक्त कि पंडित जी अब तुम लोग जो है अपने देवता को मनाओ भैरव देवता को। तब ये मनोन लागू तो बड़ी धूमधाम से वो तर पेकार हो तो पंडों को तब ये खे तब जब वो तरीके ये कहें तब थाते फूडन हो तो थाते फूडन है कहीं फिर चौराहे में नीचे यहाँ पे चौराहे में नीचे जहाँ पे वो शिवलिंग है वो रास्ते का शिवलिंग है जी वो सपने में आया मेरे को। अच्छा, तभी तो मेरे को चमत्कार हुआ। अच्छा, मैं तो उस दिन चंडीगढ़ नहीं जाता तो वो शिवलिंग निकल जाता था और इस बेटे ने जो है ऐसा धोखा किया मेरे साथ ही तो उसको बंद कर दिया। उसमें जो मतलब वही पूजा का तरीका था भगवान से मतलब आग्रह करते थे कि जो है पानी दोवाना तो क्या और कार्यक्रम आपने बोला कि शाम को जो है फिर वो चलता था उसमें। सुनो सुनो फिर नहीं इस समय अभी टाइम हो रहा 4 बजे का इस समय जो है फिर ये कहीं मंडौन लगाई कहीं थाते फोन हो तो थाते फोन चौरा चौराहे आंदो पानी की लौकी होती है तुम्हें ना होती लौकी तुम्हें क्या तक खड्डा खोदो तो हुआ तो जो भैरों को माली हों तो हुआ खाती भैरों को माली भ्यू अर्जुन से अपना तीर कमान लेके तब तक से ऐसे छोड़े रहो तापड़ी तब देखा
मतलब 10 साल 15 साल पहले जो कभी कार्यक्रम हो थो नहर जो तो तेई जगह तब ते चिमटा गौरव तो भर देवता आप माली और माली सो यूको यूको नौ तो माली आनी यूको नौ यूको सो बुढ़िया तो वह अब यूको तो 3-4 पीढ़िया हो गई यूको भीतर ना कोई माली जोड़ दो ना का हो अब दी अच्छा अच्छा हैं जी यूको जो नाना दादा हो कोई सो मैं भी नहीं देखी सो काका तब यूको नौ माली आ हैं जी तब से नहीं तक से छोड़ी किल नहीं दिया तब तक खुदाई करनी थी तो जो से 10 साल पहले 8 साल पहले जो लौकी होती थी इतनी दवाई पानी की से तेना रहती भरी की भरी से ना तो गौड़ होती ना सौड़ होती तब क्या हाँ जी क्या ऊँडी गाड़ों था और उसके अंदर दूसरी लौकी दवाई जाती थी उस पानी का छीटा जो है सब जैसी पंडो देवता वो तो पब्लिक सब उनसे छीटो पड़ो तो तब पानी को सूखें पवित्र होता उससे तब चलो तीते खाई पब्लिक और शेरी फूंडी हमारी देव की डोकरिया तब तक टहन डोकरिया फूंडी एक बिराई नौ था एक गाय नौ था तब सिद्धू दफा तो कहीं जिमा होता तो जे लाइक पोरें शेरी पुंडे दार जखन लोक चाहिए दबाई कहीं ना ऐसा ही आसमान साफ था बिल्कुल तब जेने शेरी फूड पहुंची ना सौ तो फूडा पानी की आप लोगों के सामने हुआ है ये तो हम ये मेरे सामने की बात है अच्छा अच्छा मैं छोटा था उस समय अच्छा। ये मेरे सामने की बात है 8-10 साल की बात 10 साल का हूँगा मैं उस समय आप उसके साक्षात हैं हाँ मेरे सामने की बात है इनके पिताजी को तो सारा ही पता है क्योंकि गांव का बुजुर्ग आदमी है वो तो 80 से ऊपर है इस समय अच्छा अच्छा हाँ जी 95 80 85 के बीच ये तो मतलब वो बात होगी कि जब जो है बिद्रा पौड़ और कोई मतलब पौराणिक किस तरीके की जो है कथाएं या जो आपके सामने साक्षात हुई होगी कुछ साक्षात तो क्या होना जी अब साक्षात हो 11 में जब यहाँ पे बिरचन गिरी बाबा जी ने यहाँ पे यज्ञ करवाया था लाखा मंडल के ब्राह्मण देवताओं से और क्षेत्रवासियों के तरफ से सब लोगों को निमंत्रण दिया है 24 गाँव के बीच में निमंत्रण दिया गया और सबको बुलाया गया जी ये बिरोचन गिरी बाबा जी ने यहाँ पे 2011 में यज्ञ करवाया था एकादश महारुद्र यज्ञ महारुद्र यज्ञ करवाया था यहाँ पे तो यहाँ पे 11 हवन कुंड बने थे यहाँ पे तो यहाँ पे ये झंडा चढ़ावा है हनुमान जी का यह इस जगह पे पार्वती माँ का कुंड था हवन कुंड और पहले तरफ जो है फिर क्या उसका नाम इधर पार्वती माँ का कुंड था और उधर जो है लक्ष्मी का कुंड था और मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे यहाँ से लेकर के न्यूदर तक और थाती तक 11 हवन कुंड थे बने हुए तो जब यहाँ पे अग्नि पैदा करी इस जगह पे पार्वती माँ के कुंड में तो यहाँ पे 111 पंडित थे कि 108 पंडित आ रखे थे यहाँ पे शास्त्री व्यास जी जो शिव प्रसाद है आपके पुरोला जो हमारे हाँ, मतलब ये तो काफी पुराना मंदिर और यहाँ पे हाँ तो जब यहाँ पे जी जब यहाँ पे क्या उसका नाम इस कुंड पे अग्नि पैदा करनी थी पार्वती माँ के कुंड पे तो ब्रजन गिरी बाबा जी ने और शंकराचार्य ने बोला बद्री धाम के शंकराचार्य ने बोला कि आप यहाँ पे मंत्रों के द्वारा अग्नि पैदा होनी चाहिए मंत्रों के द्वारा तो 111 पंडित ने अपना मंत्र लागू किया पर यहाँ पे अग्नि पैदा नहीं हुई उनके मंत्रों के द्वारा ब्रजनगिरी बाबा जी इस कुटिया से चले और आपके व्यास जी भी आए और शंकराचार्य भी आए उन्होंने कहा भाई पंडित लोगों अभी तक जो है यहाँ पे अग्नि पैदा प्रकट क्यों नहीं हुई क्या बात है आपने मंत्रों में कमी रखी कुछ उन्होंने कहा महाराज जितने मंत्र जानते हमने सारा बोला नहीं हुई फिर ब्रजनगिरी बाबा जी थे ठाकुर अपने जात का वो ठाकुर था पर विद्वान वो उसके भगवान उनके मन में बसावा था जी साक्षात वो कहाँ रहते थे यहाँ कुटिया में थे यहाँ कुटिया में रहते थे और इसी गांव में रहते थे उनका क्या उसका नाम पहचान पत्र आधार कार्ड हम गांव वालों ने बनवाया जी उसके बाद वो कहाँ से आए थे मतलब वो ऐसे टीरी के थे जी अच्छा अच्छा हाँ जी तो मैं वो यहाँ पे आए कई साल तक रहे जी यहाँ पे उसके बाद चले गए यहाँ से हाँ अब चले गए जी अब कहाँ गए अब ऋषिकेश है जी पहले हरिद्वार थे अब ऋषिकेश जी तो पंचदेवों ने कहा कि यहाँ पे जो ये कुष्ठ पैदा हुआ है ये आपके लिए जो है पाप लगा है बल्कि ऐसा पाप लगा महाराज हमें कि आपने महाभारत की लड़ाई में विजय करी है तो आपके भीमसेन के गर्द से तो कहाँ तो कुल क्षेत्र था और कहाँ यमुना नगर था जी यमुना नगर जो वहाँ पे औरत होती थी उसका पेट का जो बच्चा था गर्भ का बच्चा वो भी गिर जाता था इतनी गरज थी भीमसेन की तो महाभारत में वो विजय हुए तो उन्होंने यशमती यज्ञ किया जी फिर पंचदेवों ने बोला 18,000 ऋषि मुनियों ने कि आप जो है स्मृति यज्ञ करो
तो यशमती यज्ञ करने की तैयारी करी, तो उन्होंने कहा कि 18,000 ऋषि मुनियों ने कि आप लोग श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो उत्तराखंड में रहते हैं श्रृंगी ऋषि को। तो वो श्रृंगी ऋषि के लिए जब पांडव लोगों के लिए कहा, तो पांडवों ने आपस में पांचों भाइयों ने सलाह करी कि भाई अब कौन जाएगा। तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आप लोग जो है भीमसेन को भेजो, ये भीमसेन जो है जल्दी लाएगा पंडित को बुला के। तो भीमसेन के लिए उन्होंने कहा, पंडितों ने 18,000 ऋषि मुनियों ने कि भाई भीमसेन, जब आप लोग ऋषि श्रृंगी ऋषि पंडित के बुलाओ जाते हैं, तो आप लोग जो है किसी के साथ उस पंडित के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना, बातचीत नहीं करना, जैसा कार्यक्रम वो आपके साथ करेगा आप उसको करने देना। तो वो लोग जो है वहाँ से भीमसेन चला, तो यो एक सिंगाई को डांडो ना आयो, ये जब सिंगाई को डांडो बोलूँगा है जी, यही डांडा माता शिकारी छिड़ने दिया हमारा पूरे जौन सालवा और के गढ़वाल के लोग शिकारी रहूँगा। तो इसका नाम है जी सिंगाई डांडा। इसमें रहता था श्रृंगी ऋषि, इस पहाड़ पे श्रृंगी ऋषि, उसके जो है यहाँ पे नाक पे माथे पे यहाँ पे सिंह थी उसके, यहाँ पे ऐसे उस पंडित के, तो यहाँ रहता था वो। तो जब भीमसेन चलता है चलता उसके गांव के नज़दीक पहुँचा, यानी क्योंकि शेर वो चना से शेर का तो को हतारू बोलू देख ली तुम हतारू, तो तेत वो श्रृंगी ऋषि रहो तो पंडित। तो तेख जब सो छूट लाइ हो लांदू, और जब सो जिल बाटी भ्यू देखिए आंदू गाँव जैसे गेट भरे जब भ्यू वो बुआ लू गाँव वो, तो छोरा कौन लागू तुम आपको बिटकुड़िया तू नहीं बोलियो बोलू दामों को कौन आया, ये बड़ा आदमी कौन आया उधर से। तो सब दो बच्चे ने देखता रहा, उन्होंने उसने बोला कि भाई मैं हूँ, उसने ये नहीं बोला कि मैं ऐसा ऐसा आम आदमी हूँ, उसने बोला कि मैं एक जजमान हूँ बोलिए तुम्हारा, और मैं पंडित के गांव में आ रखा हूँ, और मैं श्रृंगी पंडित जी से मिलना चाहता हूँ श्रृंगी पंडित जी से। तो उन बच्चों ने उस पंडित के पास पहुँचाया जी, और वो पंडित जो है खेत में हल लगा रहा था, हल तो लगे ना दो अच्छा अच्छा सो हो तो लगे ना दो चेनी हेरी आते भी आई चेनी बोली है तो ये पंडित, और लगा रहा हल, और कच्चे चमड़े का जूता पहन रखा उसने पैर पे। उसके घर वाली ने तब तक उसके लिए दुखारी नहीं डोखरो फूंगी केला भी हम डुखारी जो हमारा कोई डुखरा रहा डुखर को ना हो नी चाहे टमाटर तोड़े या आलू निकाले तो डुखरो फूंगी दुफारी ना हो ना, तो ये दुफारी तेरे का घर वाली ना तेरी दुफारी नहीं यार नहीं दुफारी क्या नहीं बोली कि और ऊंडो दुफारी कर खाए आप जो है बोले रोटी भोजन कर लो आप लोग। अब वो पंडित जी बैठा नीचे और भीमसेन देख रहा, वो दूर से देख रहा भीमसेन कि है तो ये पंडित, और बेटी का तो तेनी ना हाथ धोई ना जूता उतारी ते पंडित ने, और गाड़ी से रोटी और बैठते ना खाना जी वैसे खाया जी उसने रोटी खाया खोया रोटी। तब जब तेनी रोटी खाई गई तब पूछी तेनी भ्यू कि अरे भाई मुसाफिर आदमी आपको भूख लग रही है, जब तेनी अपनी ते भाव ने अपनी घेर भरी गई, तब बोली बाद में जब एक आध रोटी बची ली तब बोली बाद में कि भाई मुसाफिर आप लोग भी एक आध रोटी खाना चाहते हैं तो खा लो, और भी की भूख भी नहीं होती एक रोटी दो रोटी है जी। उसने कहा कि नहीं पसारी हाथ की दे दो जी खाई थी नहीं सेवा ये नहीं मिली मेरे यहाँ पंडित आ बाजू तो पंडित देखे 18,000 ऋषि मुनि ने मेरे को यहाँ पे भेजा है कि उसको लाओ बुला के, और यहाँ पे इसके कर्म ये है बड़ा पंडित। उनसे मतलब उस मंदिर का कुछ तात्पर्य मतलब जुड़ रहा है थोड़ा, मतलब श्रृंगी ऋषि सिंगाई को सिंगाई में वो उसका वास था। हाँ बिल्कुल नहीं वो समझ गया जी जी हाँ उसका घर था वहाँ पे तो मंदिर नहीं था वहाँ पे। ये जो मैं मंदिर ये कह रहा हूँ केदार के मंदिर की बात आ रही है जी 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 इसमें आ रही बात केदार की। तो जब वो लोग वहाँ से उसको बुलाया है, उसने बोला कि मैं ऐसा ऐसा भीमसेन हूँ, हमारा कार्य चल रहा है आपके लिए कार्य करने के लिए। तो भीम पंडित जी अपने तैयार हुआ वो चल पड़ा, जैसा ही वो चल पड़ा जैसा यहाँ से वो लोग विकास नगर पहुँचे, एक रात को विकास नगर रुके, फिर वहाँ पे उन्होंने चौका दिया भीमसेन को बोला कि यहाँ पे चौका दो आप लोग, वहाँ पे चौका दिया और चौका दे के फिर उसने बोला कि अब भोजन की तैयारी करो, भोजन बनाया। अब भोजन बना के भीमसेन को बोला अब तू चौके से बाहर हो जा, वो चौके से बाहर भगाया, फिर वो पंडित बैठा वहाँ पे उसने भोजन किया। मतलब इस एरिया में मतलब 5-10 मीटर की एरिया में चौका करी देखे गोबरानी करी देखे ना लिपाई करी तब से दूर हटाई, और दूसरे रात वहाँ से चले वो और आगे सहारनपुर या मुजफ्फरनगर पहुँचे
ये अस्मृति यज्ञ किया उन्होंने दिल्ली में, दिल्ली का नाम है हस्तिनापुरी। तो इसका मंदिर का तात्पर्य कैसे हो गया थोड़ा, मतलब जब वहाँ से जब उन्होंने यज्ञ कार्य पूरा किया तो जब कार्य पूरा करके उन्होंने बोला, उस भीमसेन ने बोला उस पंडित को कि यार पंडित जी जो आपने रास्ते में मेरे साथ कार्यक्रम किया है, घर में तो जूता भी नहीं खोला तेने, रास्तों में आपने ऐसा सा काम किया। तो ऋषि श्रृंग ऋषि ने बोला कि आप जो है केदारनाथ जी का शिव जी का दर्शन करेंगे तब जाके आपका कुष्ठ मोचन होगा। तो वहाँ पे 18,000 ऋषि मुनि 33 करोड़ देवी देवता सब वहाँ बैठे थे, ये किनारे पे आसन पे शिव जी भी बैठा था, अपने स्थान पे बैठा था शिव जी। अब उसने भीमसेन को श्रृंग ऋषि ने इशारा दिया कि ये शिव जी के दर्शन होंगे तो तुम्हारा कुष्ठ मोचन होगा। और शिव जी ने बोली कि मैं जब यह कहा तो बोलो यो मेरा दर्शन कर लो तब फायदा कुछ ना हो, मेरा इसलिए यहाँ से निकलना है। अब देखे शिव जी बैल का रूप धारण किया और चल पड़ी थे, अब वहाँ से भागा वो आगे आगे वो नंदी और पीछे पीछे चल पड़ा कौन भीम। तो चलते 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 और गौरा घाटी पहुँचे, साथ में उसके गौरा माता भी साथ में थी, पार्वती माँ वो साथ में थी। तो जब पार्वती माँ हमारी थकी तब बैठी सी तक घाटी गौरा घाटी, वहाँ का नाम इसलिए गौरा घाटी है, गौरा घाटी क्यों कहते वहाँ का नाम, वहाँ पे वो नीचे बैठी, उसका नाम पड़ा गौरा घाटी, वो नीचे बैठी जैसा बैठी वहाँ का नाम है गौरा घाटी। जो वहाँ से वो नदी आती है ना गौरा घाटी की तरफ से, तुम्हारा पाली में है जो नदियाँ खाड़ों से, उसका नाम है गौतम गंगा, उसका नाम है गौतम गंगा। और जो भटार से आती है घुटाड़ वहाँ से है वो गौतम गंगा, गौतम गंगा। अब ये ठाने भटारी बाठी हूँ और मसोगी से दुनिया गाड़ा कोठी मिलू ते तो कहीं मुंदी बनी से घुटाड़ गार है जी। और इधर से आई केदार गंगा, भटारी बाठी केदार गंगा और उधर से गौतम गंगा गौरा घाटी घाटी भी। फिर यहाँ से जब वहाँ पे पहुँचे भटाड़ में तो देखा कुछ नहीं कुछ जाल हुआ बहुत बड़ो जाल, और से बौद्ध जा तेजपुंड घुसी भीतर, अब तेजपुंड घुसी बौद्ध भीम न हेरिया मुंडू पुंडू चखा किसी ने देखा तेनी उठाए पत्थर चखा से मंदिर के बगल में जो बड़े बड़े पत्थर है ना भीम से ने उठाए पत्थर मारना झाड़ी में कर दिया वहाँ पे। अब भागी चखा सो भीम चखा चोड़ी चेकी लावा ते बौद्ध की लावा चोड़ी चखा चखा बनी सो केदार जी को मंदिर भटाड़ में, वो केदार जी का मंदिर बना। आज भी वहाँ पे केदार जी के मंदिर में वहाँ पे अंदर ग्राउंड वहाँ पे मंदिर के अंदर गौतम गंगा निकलती है, और जो पितृ श्राद्ध मनाते हैं ना हम लोग, आप लोग नहीं मनाते हैं पितृ श्राद्ध, हम मनाते हैं। तो जो भटाड़ी का पंडा जब तक पितृ श्राद्ध को मनाता हमारा जो बाट बाट सेवा तो खबर से हाथ पसार होगा जैसे तो अच्छा पंड हम शिमला पिता सीख देना हमारे बुढ़िया लोग पितृ, जब हम पिता रहो में ना हो तो हम पूजा करने जाते हैं नीचे से। तो वहाँ पर की जो विशेषता ये है कि जो मतलब लावा चुनी लावा चुनी बौद्ध किया कि शिव जी बौद्ध के लावा चुनी तब तेखा केदार जी को मंदिर बने। हाँ जी, तब हम पितृ सरा जब मनाते हैं ना जी आज भी, तो हम जमुना का छाल फंड हूँ जिनको ठाकुर जी को पता है, तो जिला छाल फंड हो तो बोले हमारे बुढ़िया नाना वगैरह तेरा जो हमारा जो पितृ देवता था सेवा से बोले देख चढ़ाओ तो बोले प्रसाद ना और से पली मिले सब आओ तो उन्हें तब खाओ। तो ये शक्ति जो है ये प्रमाणित हमारे दादा के टाइम की बात है, हमारे टाइम पर नहीं कुछ। जी जी जी, ये दादा के टाइम की बात है, तो आज भी है शक्ति, आज भी है जी। तो धन्यवाद पंडित जी, मतलब जो है काफ़ी सारा ज्ञान आपने बताया, काफ़ी सारी कथाएं आपने बताई जो हमको नहीं बताती और हम दर्शकों को भी नहीं बताती, आपके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे, सबको दिखाना चाहेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।